हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रैच, जो कि एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उसे कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। ये बहुत ही इजी सा मेथड है। तो इस मेथड को करने के लिए आपको अपना वेब ब्राउज़र खोल लेना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल के रखा हुआ हूँ। आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोल सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र खोलने के बाद आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होगा स्क्रैच 2.0 डाउनलोड। मैं लिख देता हूँ स्क्रैच 2.0 डाउनलोड। आप इसके ओल्डर वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर 2.0 सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको अब स्क्रैच 2.0 में स्क्रैच सेलेक्ट कर लेना होगा। इसको मैंने क्लिक कर दिया है, अभी लोड हो रहा है। तो इस साइट का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रैच 2.0 ऑफलाइन एडिटर, और स्क्रॉल डाउन करने पर हम इसके बहुत सारे फीचर्स और अपडेट्स भी दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे फीचर्स और स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ अपडेट्स और अदर भी फीचर दिखाई दे रहे हैं। तभी तो हमको फिलहाल स्क्रैच 2.0 डाउनलोड करना है। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देख सकते होंगे कि इधर एडोब एयर है, स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर है और सपोर्ट मटेरियल्स है। पर फिलहाल हमको स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर डाउनलोड करना है। तो आप इसका विंडो का भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैक ओएस का, मैक ओएक्स 10 का भी। तो चलो डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने गलती से मैक ओएस का क्लिक कर दिया, इसको जैसे डाउनलोड होने लगा है, पर इसको सिंपली कट करके अब विंडोज़ का डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए विंडोज़ में क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि विंडोज़ का हमारा स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर डाउनलोड हो रहा है। तो इसको होने देते हैं। तो अब हमको एक दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसका नाम है एडोब एयर। ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको स्क्रैच 2.0 के बगल में ही देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा शो हो रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर को, इसलिए हम सिंपली एडोब एयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके भी आपको मैक ओएस, विंडो 10, विंडो 7 और मैक ओएस 10 का भी मिल जाएगा। तो अभी हमने विंडोज़ का डाउनलोड किया था, इसलिए हम एडोब एयर को भी विंडोज 10 का ही डाउनलोड करेंगे, फिर विंडो का डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही आप हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपली ये 11 MB की फाइल है तो डाउनलोड नाम में क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया है और बहुत जल्दी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ काउंट डाउन हो रहा है, इसको होने देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एडोब एयर के बिना स्क्रैच नहीं इंस्टॉल होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एडोब एयर भी डाउनलोड होने लगा है। हाँ, मैं बता रहा था दोस्तों कि अगर जो आप एडोब एयर को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपका स्क्रैच भी नहीं इंस्टॉल होगा, क्योंकि इन दो स्क्रैच को चलाने के लिए आपको एडोब एयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपने दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद अपने डाउनलोड एरिया में आ जाना है, और डाउनलोड एरिया में आने के बाद आपको देख ही सकते हैं मेरी दो फाइल हैं, एडोब एयर की और स्क्रैच की। तो आपको सबसे पहले एडोब एयर को इंस्टॉल करना होगा। तो जैसा हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको हम एक्सेप्ट करके, एग्री करके इंस्टॉलिंग हो रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, इसको टाइम लेने देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको फिनिश में क्लिक करके अब हम स्क्रैच को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसको स्क्रैच को ओपन कर लेते हैं फिर से। हो जा, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। ये फाइल लोकेशन मांगेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं पर हम नहीं करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसको भी थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, तो इसको टाइम लगने देते हैं। तो ये आधा
इंस्टॉल हो चुका है, थोड़ा सा टाइम और लेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, आप उसको थोड़ा स्केप ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सिंपली ये मैंने 3-4 बार क्लिक किया, सिंपली से इसके और फोल्डर्स भी खुल रहे हैं। तब तक रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए स्क्रैच हो चुका है हमारा, ये देखिए आप इसका फोल्डर देख सकते हैं, स्क्रैच इंस्टॉल हो चुका है हमारा और ये अपने आप थोड़ी देर में खुल जाएगा। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुल स्क्रैच को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। ये थोड़ा और लोड लेगा, लोडिंग है फाइल से कुछ, इसको होने देते हैं। लगता है मेरा लैग हो गया है कंप्यूटर, इसको रिफ्रेश करते हैं। कुछ आपको ये खुल चुका है हमारा, अब आपके कुछ अपडेट्स करने बताएगा तो आपको यस में कर देना है, सिंपली यस आई लाइक, क्योंकि और अपडेट्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा खुल चुका है स्क्रैच ब्लॉक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।